चाहिए क्या थ्रिल और साथ में ड्रामा? पीछे से बात करके, पीछे से बात करके। दोस्तों शुरू हो चुका है बिग बॉस OTT सीजन 3 और अनिल कपूर जी इस बार होस्ट है और प्रीमियर भी हो चुका है। और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कुल कितने कॉन्टेस्टेंट आए हैं, कौन कौन आए हैं और उनका बैकग्राउंड। दोस्तों चलिए देख लेते हैं। दोस्तों पहला कॉन्टेस्टेंट है वायरल वड़ा पाव गर्ल। बिग बॉस में आया है दिल्ली का वो वायरल वड़ा पाव बेचने वाली चंद्रिका दीक्षित। ये इतना वायरल हो गए थे, पुलिस का केस भी हो गया था, बहुत झगड़ा भी हो गया था और उसको बिग बॉस में लाया गया है। दोस्तों दूसरे नंबर पे है सना मकबूल खान। सना मकबूल खान वे मॉडल और एक्ट्रेस है। रियलिटी शो टीन दीवा 2009 में देखा गया था और उसके बाद इस प्यार को क्या नाम दूं, अर्जुन और भी बहुत सारे सीरियल में देखा गया था। मिस इंडिया में भी अपना किस्मत आजमाए थे लेकिन वे सक्सेसफुल नहीं हुआ। दोस्तों बात करते हैं तीसरे नंबर साई केतन राव। साई केतन राव एक टीवी एक्टर है, मेहंदी है रचने वाली ये सीरियल में काम किया है और भी बहुत सारे डेली शो कर चुके हैं, तेलुगु शोज वेब सीरीज म्यूजिक वीडियो भी कर चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं रणवीर शोरे की। रणवीर शोरे बहुत सारे मूवीज में काम कर चुके हैं, जिस्म, ट्रैफिक सिग्नल, भेजा फ्राई, हौसला का हौसला, बहुत सारे, और उनको इस बार लाया गया बिग बॉस OTT के घर में। बात करते हैं बंगाली गर्ल पौलोमी दास के बारे में। इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल 2016 में इनको देखा गया था और वहां से इनका करियर का शुरुआत हुआ था। दिल ही तो है, कार्तिक, पूर्णिमा ऐसे बहुत सारे सीरियल से कर चुके हैं। लव कतारिया, एलविश यादव की दोस्त लव कतारिया को पिछले बार ही देखा गया था बिग बॉस रिलेटेड न्यूज में और उनको इस बार लाया गया है बिग बॉस के घर में। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं एलविश का बैकअप लव के पीछे शायद रहा होगा। दोस्तों ये कोई बुरी बात भी नहीं है, भाई किसी से तो कोई आ ही रहा है या फिर आ ही सकता है। बात करते हैं दोस्तों सना सुल्तान। सना टिकटॉक से अपना करियर का शुरुआत की थे, अभी मॉडलिंग कर रहे हैं और बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस में भी काम करती है। बात करते हैं शिवानी कुमारी की। शिवानी कुमारी एक विलेज गर्ल है यूपी से और वे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। यूट्यूब में डेली लाइव व्लॉग करते हैं और गाँव में वे कैसे रहती है वे दिखाते हैं। इंस्टाग्राम में ही 4 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर है और बहुत लोग मान रहे हैं ये मनीषा रानी के कॉपी है। दोस्तों बात करते हैं विशाल पांडे की। विशाल पांडे डांस करते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, 9 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर है अपने सोशल मीडिया में और रील्स के लिए भी ये जाने जाते हैं। बात करते हैं दीपक चौरसिया की। दीपक चौरसिया एक जर्नलिस्ट है, बहुत सारे अव्वल नंबर की पॉलिटिशियन या तक की चीफ मिनिस्टर तक भी वे लिए हैं इंटरव्यू और उनको इस बार बिग बॉस के घर में देखा जा रहा है। बात करते हैं मोनिशा कटवानी। अली लाइफ में ये थी एक्ट्रेस, जस्ट मोहब्बत, वैदेही, अपने प्यारे, बहुत सारे डिलीट शॉप्स किए हैं लेकिन फिलहाल ये टैरोट कार्ड रीडर से जाने जाती है और इसी फेम के लिए ये आए हैं बिग बॉस के घर में। दोस्तों बात करते हैं अरमान मलिक, पायल मलिक और कृतिका मलिक। इन तीनों को एक साथ में देखा जाएगा क्योंकि ये तीनों एक फैमिली है। अरमान मलिक जो कि पॉपुलर यूट्यूबर है और उन्हीं की पहली वाइफ पायल मलिक और कृतिका मलिक एक साथ आए हैं और बहुत लोगों को हैरान कर देने वाली ये बात है कि ये तीन लोग एक ही घर में एक साथ रहते हैं और उनकी यानी अरमान मलिक के बच्चे भी एक ही साथ रहते हैं और ये इस बार आए बिग बॉस के घर में। नैजी जिसे कि नवेद शेख के नाम से जाना जाता है जो कि उनका ओरिजिनल नाम है और वे हैं एक मुंबई बेस्ड रैपर, हिप हॉप स्टाइल के लिए उसका जाना जाता है। उन्हीं का लाइफ से इंस्पायर्ड हुआ है गली बॉय मूवी जहाँ पर रणवीर सिंह और आलिया भट्ट को देखा गया है और वे भी इस बार आए बिग बॉस OTT सीजन 3 के घर में। इसके बाद आते हैं बॉक्सर मार्शल आर्टिस्ट नीरज गोयत के बारे में और वे एक इंडियन बॉर्न इंटरनेशनल बॉक्सिंग और फ्री स्टाइल मार्शल आर्टिस्ट प्लेयर है। वे इंटरनेशनल बेल्ट भी जीत चुका है बॉक्सिंग में और ये है बिग बॉस के घर में। तो दोस्तों आप इनमें से किसे सबसे ज्यादा सपोर्ट करेंगे नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके देखे मेरे कमेंट का।